आज हम बहुपद के विषय में पढ़ने वाले हैं। बहुपद, बहुपद मतलब जैसे हम रैखिक बहुपद के बारे में बात करते हैं, बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। बहुपद मतलब किसी उच्चतम घात, किसी पॉलिनोमियल एक्स की मतलब बहुपद की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे अगर हम देखें रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद मतलब जो उसकी उच्चतम घात होगी उसमें, मान लेते हैं x, x की उच्चतम घात जो होगी रैखिक मतलब एक होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस तीन, ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। और यहाँ पे अगर दूसरा उदाहरण दे दे रैखिक बहुपद का, तो 2x प्लस तीन, जहाँ दो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी, ये रैखिक बहुपद हो गया। अब देखते हैं दूसरा द्विघात बहुपद। हमें कक्षा 10 में द्विघात बहुपद, कहीं कहीं त्रिघात बहुपद भी पढ़ना है, तो देखते हैं पहले द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी जो है अचर हैं, अचर मतलब कांस्टेंट हैं, ए बी सी कोई संख्या है जैसे 1, 2, 3, 4 वगैरह, और एक्स जो है यहाँ चर है। तो हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी सी द्विघात बहुपद है। हमें इस चैप्टर में अधिकतम द्विघात बहुपद ही पढ़ना है, तो द्विघात बहुपद के बारे में कुछ और जानते हैं। जैसे द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, द्विघात बहुपद के शून्यक, या पहले ग्राफ देखते हैं। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ होता है परवलय आकार। मतलब जो x को दो बार काटे, कुछ इस प्रकार का, ये परवलयाकार ग्राफ हो गया। जैसे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। मतलब द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में सिर्फ बराबर जीरो का अंतर होता है। ऐसे ही अगर त्रिघात बहुपद देखेंगे, त्रिघात बहुपद में भी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, और त्रिघात समीकरण में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो हो जाता है। बस इतना ही अंतर होता है त्रिघात बहुपद और त्रिघात समीकरण में। अब देखते हैं एग्जाम्पल, अगर इसमें लें, यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें x की सबसे अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद, अब इसके शून्यक कैसे ज्ञात करें? द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले में मध्य पद खोजना होता है, जिसके द्विघात बहुपद में जिसके साथ x होता है वही उसका मध्य पद होता है। मध्य पद का विभाजन करते हैं हम। मध्य पद का विभाजन मतलब जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है गुणे 8, c बराबर 8 है हमारा माइनस 8, इसको 8 ही लिखते हैं, पहले 8 आया हमारा। अब 8 को किसी दो खंडों में ऐसे विभाजित करें कि उसको जोड़ने और घटाने पर 2 प्राप्त हो, तो इसको लिखेंगे, इसको क्या क्या लिख सकते हैं पहले, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 8 ही इसका गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड को हमें दो ऐसे भागों में विभाजित करना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर -2 प्राप्त हो।
ये माइनस आठ होगा हमारा, क्योंकि हम माइनस आठ से गुणा किए थे। तो यहाँ पे पहले माइनस चिन्ह लगा देंगे, दो दूना चार और दो, अगर ये जोड़ा बनाए हम तो चार में से दो जाएगा तो दो ही बचेगा। तो इस प्रकार हम बहुपद के मध्य पद का विभाजन करके, द्विघात बहुपद के मध्य पद का विभाजन करके उसका गुणनखंड करते हैं। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। अब यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन है, x यहाँ से कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा x माइनस फोर, यहाँ से प्लस टू कॉमन तो x माइनस फोर। यही सबसे कठिन टर्म होता है यहाँ पे, जो इसको हल कर लिया तब तो बहुपद मतलब उसका शून्य प्राप्त ही हो गया। यहाँ पे बहुत कठिनाई होती है जैसे प्लस माइनस में। अब इसमें हमें ध्यान देना होगा प्लस माइनस का, जैसे यहाँ माइनस फोर एक्स मैंने लिखा प्लस टू एक्स, माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स, माइनस यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दो छोटा है। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो हमें माइनस दो एक्स ही प्राप्त होगा जो कि यहाँ पे लिखा है, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन न हो, इस प्रकार हम उसका विभाजन करते हैं। अब आगे x माइनस फोर इन दोनों में फिर से कॉमन, फिर x प्लस टू। बहुपद का शून्यक, शून्यक मतलब शून्य के बराबर करके जो प्राप्त मान होता है उसे ही शून्यक कहते हैं। तो इसमें दो पद और बहुपद के हमेशा, बहुपद द्विघात बहुपद के हमेशा दो शून्यक प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसकी अधिकतम घात दो होती है। अगर हम बात करें रैखिक बहुपद की तो रैखिक बहुपद में अधिकतम घात एक होती है, इसलिए इसमें केवल एक ही शून्यक प्राप्त होता है। और त्रिघात बहुपद में उसकी अधिकतम घात तीन होती है, इसलिए उसके कुल तीन मूल प्राप्त होते हैं। मूल या शून्यक कई नाम होते हैं। अब इसको शून्यक करना है, शून्यक बनाना है तो शून्य के बराबर करना होगा, तो x माइनस चार बराबर जीरो, तो यहाँ से आ गया x बराबर चार। लेकिन अभी हमने एक ही टर्म सॉल्व किया, अभी दूसरा है x प्लस दो बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस दो। यहाँ से हमें बहुपद के दो मूल प्राप्त हो गए, चार और माइनस दो। इन मूलों का हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा। माना अल्फा बराबर चार और बीटा बराबर माइनस दो है। मूलों की एक और खासियत होती है, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू हमें मिली है, अगर प्रश्न में आपको मूल दिया हो तो इसमें मूल को सटिस मतलब मूल संतुष्ट करता है ये बहुपद को, अगर हम रख दें तो ये पूरा जीरो के बराबर आ जाएगा। तो अब देखते हैं मूलों में संबंध, मूलों और ये जो इसके अचर मतलब मूलों के सत्यता की जांच करते हैं। पहले मूलों के सत्यता की जांच, मूलों के सत्यता की जांच या शून्यकों के सत्यता की जांच, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला जो होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब उसके दोनों मूल जो होंगे, दोनों मूल ये, पहले तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर यहाँ पे हमें प्राप्त होगा ए बराबर एक, बी बराबर माइनस दो और सी बराबर माइनस आठ। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो उसको सत्यता की जांच कर लेते हैं, अल्फा और बीटा हमारा है चार प्लस माइनस दो बराबर, बी का मान हमारा आया है माइनस दो, माइनस माइनस दो बटे ए का मान है हमारा एक। यहाँ से हमें चार में से दो जाएगा तो दो बचेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हमारा जो गुणनखंड हुआ है वो बिल्कुल सही है, इसके शून्यक सही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये पहली कंडीशन को मतलब उसके सत्यता की जांच हो गई, इसलिए हमारे मूल जो हैं सही हैं। अब दूसरा सत्यता की जांच में होता है हमारा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये जो होता है वो ये अचर, अचर पद
मतलब सी बटे ए। सी और ए हम इसके व्यापक रूप या मानक रूप के लिए लिखते हैं, तो यहाँ से सी, सी का मान हम निकाले थे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान आ जाएगा -8 और ए का मान आ जाएगा 1। अब देखते हैं हमारा अल्फा बीटा क्या है, 4 और बीटा है हमारा -2 बराबर -8, ये इधर भी -8। LHS और RHS बराबर हो गए, मतलब सत्यता की जांच हमारा सही, मतलब ये हमारा समीकरण के जो मूल प्राप्त हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब देखते हैं हमारे जब मूल दिए हों, जैसे हमें मूल दिए हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 दिए हैं, तो इससे हम अपने द्विघात बहुपद को कैसे प्राप्त करें, इससे हम द्विघात समीकरण को भी प्राप्त कर सकते हैं। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में सिर्फ बराबर 0 का अंतर होता है, तो पहले द्विघात बहुपद प्राप्त करते हैं। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में संबंध होता है, जैसे द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। ये हर बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का और मूलों में संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से मान रख के देखते हैं कि हमारा पुराना बहुपद प्राप्त होता है या नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस बीटा -2 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 4 × -2। तो यहाँ से हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 2 जाएगा 2, एक्स माइनस 8। अब मिलाते हैं पिछले वाले से कि जिस द्विघात बहुपद का ये शून्यक था 4 और माइनस 2, क्या ये वही द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 8, एकदम वही द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हुआ। तो ये हो गया द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। अब अगर द्विघात बहुपद में, अब आते हैं त्रिघात बहुपद पे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप। अब इसमें अगर त्रिघात समीकरण हमें बनाना होगा या त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण में अंतर, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये त्रिघात समीकरण होगा और त्रिघात बहुपद ये। अब इसमें देखते हैं, पहले हम देखते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी और डी, ये जो है यहाँ पे अचर हैं और यहाँ पे एक्स जो है एक चर राशि है जिसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है। अब इसमें हम पहले मूलों का संबंध ज्ञात करते हैं इनके साथ, अचरों के साथ। जैसे अगर सत्यता की जांच पहले ही करें, सत्यता की जांच में इसमें पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसके मूल हैं इसके अल्फा बीटा और गामा मूल हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। माइनस बी मतलब ये बी बाई ए, और दूसरा होता है
दो दो मूलों के गुणनफलों के योग का संबंध, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। और तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने की एक बहुत बड़ी विधि होती है। आज हम पहले त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक, जैसे यहाँ पे एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस तीन। तो पहले इसमें अपने मन से कोई मान रखना होता है, या इसमें हम एक, पहले हम इसको चेक करते हैं, इसका कोई एक दो तीन या माइनस एक माइनस दो माइनस तीन ऐसे मूल रख के देखते हैं कि इसको कौन सा मूल संतुष्ट करता है। तो पहले x बराबर एक रख के देख, x बराबर एक रखने पर यहाँ पे हो जाएगा एक का क्यूब माइनस तीन एक का स्क्वायर प्लस पाँच एक माइनस तीन, एक माइनस तीन प्लस पाँच माइनस तीन। यहाँ पे हमें जीरो बराबर में नहीं आ रहा है कि आ रहा है पाँच और एक छः, तीन और तीन माइनस छः बराबर जीरो, मतलब ये मूल इसको संतुष्ट कर गया, बराबर जीरो आ गया, मतलब ये मूल इसको संतुष्ट कर दिया। तो इसका एक जो हमारा शून्यक होगा एक्स बराबर एक होगा। तो एक शून्यक बराबर एक, अब इसको हम पक्षांतर करके लेते आते हैं। तो x माइनस एक से अब हम इस त्रिघात बहुपद में भाग देंगे। अगले पेज पे करते हैं। x माइनस एक त्रिघात बहुपद था हमारा x क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस तीन। अब इसमें हमें भाग देना है, भाग देने के लिए हमें बहुपद का भाग आना चाहिए। बहुपद का भाग कैसे होता है, पहले हम इसको देखते हैं और इसको, दोनों के प्रथम सदस्य या प्रथम, हाँ प्रथम सदस्य को देखेंगे। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, हम इसमें क्या ऐसा गुणा करें कि यहाँ पे x क्यूब हो जाए, हमें इसको नहीं देखना होता, ये हम बाद में देख लेंगे। पहले हम उस चर राशि को देखते हैं। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब और x, मतलब x क्यूब बटे x, यहाँ से आया x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का गुणा करने पे हमें x क्यूब प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, अब इसका x स्क्वायर में गुणा किए तो x क्यूब हो गया और माइनस x स्क्वायर, चिन्ह नीचे बदल देते हैं, माइनस और प्लस ये कट जाएगा, माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस तीन प्लस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस दो एक्स स्क्वायर। अब दूसरा पद उतारते हैं जो है पाँच एक्स है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहला पद और इसका भी पहला पद, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे माइनस दो एक्स स्क्वायर, माइनस दो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस दो एक्स। तो यहाँ पे माइनस दो एक्स से गुणा करने पर जो हमारा भागफल के रूप में आएगा, तो माइनस दो एक्स से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस दो एक्स, ये माइनस दो एक्स और ये माइनस एक, माइनस और माइनस प्लस दो एकम दो एक्स, इसका चिन्ह फिर से बदल देंगे तो ये कट जाएगा, पाँच में से दो जाएगा तीन एक्स, फिर यहाँ बचेगा तीन, ये पद नीचे उतर गया।
अब इसमें फिर से देखेंगे हम किसका गुणा करें कि यहाँ पे 3 आ जाए, मतलब 3 का गुणा करें, प्लस 3, तो गुणा करेंगे 3x माइनस और प्लस माइनस 3, यहाँ पे माइनस या प्लस ये दोनों कट जाएंगे, ये 0 आ गया, मतलब ये मूल हमारा सही है इसीलिए इसको संतुष्ट कर गया। अब देखते हैं हमारे दो और मूल प्राप्त होंगे। तो जैसे पहला मूल हमें मिला था x माइनस 1 का, इसको भी शून्य के बराबर करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। अब यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसको भी अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इसका जैसे मध्य पद का गुणनखंड, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का मध्य पद का गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे है पहले अचर पद गुणे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, 3 × 1 = 3, मतलब 3 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3, यही इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे हमने गुणनखंड किया, यहाँ पे माइनस 3x प्लस एक्स, माइनस 3x में से x को जोड़ेंगे तो हमें माइनस 2x ही प्राप्त होगा। यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान देते हुए, यहाँ पे माइनस 3 इसलिए है क्योंकि 3 बड़ा है और इसको जोड़ने या घटाने पर 3 का ही चिन्ह लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस x माइनस 1, अब यहाँ से कॉमन लेंगे x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 यहाँ से कॉमन, यहाँ पे आके हमारा गुणनखंड फंस गया। मतलब यहाँ पे अगर हम x प्लस 3 लिखें तभी हमें इसके दो मूल प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों में से दो मतलब कॉमन नहीं हो सकता है x माइनस 3, मतलब x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यही इसके मूल होंगे। मतलब एक मूल है और दो मूल इसके काल्पनिक है। मतलब अभी द्विघात समीकरण में आगे पढ़ेंगे जिसका गुणनखंड नहीं हो पाया उसके मूल काल्पनिक होते हैं।